Hello my dear friends, I am Dr. Waseem I. Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So in today's lecture, we will discuss Section 319 to Section 322 of Indian Penal Code, which deals with what is mean by hurt, what is mean by grievous hurt, and what is mean by voluntary causing hurt, and what is mean by voluntary causing ग्रीवियस हर्ट। तो सेक्शन 319 से लेकर सेक्शन 322 आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें डिफाइन किया हुआ है हर्ट को, डिफाइन किया हुआ है ग्रीवियस हर्ट को, डिफाइन किया हुआ है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट को और डिफाइन किया हुआ है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट को। तो ये सारे डेफिनेशंस आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम कवर करने की कोशिश करेंगे इन पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 319 टू 322 वी विल डिस्कस। सेक्शन 300 डील्स विथ, Section 319 defines the term hurt. So whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt. So if any person causes any bodily pain, any disease or any infirmity, then such person who causes such a bodily pain, infirmity and disease will be liable for causing hurt to that particular person. तो कोई भी पर्सन अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल बॉडी को इंज्योर करता है, उसको बॉडीली पेन करता है, कॉज करता है, उसको तकलीफ पहुंचाता है या कोई डिसीज कॉज करता है या उसके बॉडी को इन्फर्म करता है, तो ऐसे पर्सन ने हर्ट कॉज किया, ऐसा ट्रीट होगा। टू कॉन्स्टिट्यूट एनी वन और मोर ऑफ इसेंशियल ऑफ सिंपल हर्ट मस्ट बी प्रेजेंट। The first one is bodily pain. So to constitute hurt, there are a certain essential which must be present. The first one is a bodily pain. अगर मैं किसी को जोर से थप्पड़ मारूंगा जिसके वजह से उसको तकलीफ होगी, तो I will be liable for the offense of hurt, है ना? Because my slap caused a bodily pain to that particular person. मेरी थप्पड़ के वजह से उसको इंजुरी हुई, उसको तकलीफ हुई है, तो मैं liable रहूंगा हर्ट के लिए। Second one is the expression physical pain means that the pain must be physical instead of any mental pain. So the expression physical pain means the pain must be physical instead of any mental pain. तो यहाँ पर bodily pain का मतलब हो रहा है physical pain. अगर मैं जोर से पंच मारूंगा उसके हाथ पर और उसका हाथ अगर दर्द कर रहा है तो ये physical pain है, मैं hurt के लिए liable रहूंगा। तो physical pain जरूरी है, mental pain नहीं आएगा bodily pain के कंसेप्ट में। इन्फर्मिटी टू अनदर, सो इट इज एन इनकैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन टू कैरी आउट इट्स एवरीडे फंक्शन वेदर टेम्पररीली और कंप्लीटली। सपोज इफ आई कॉज अ इंजुरी ऑन द शोल्डर ऑफ एनी पर्सन, अगर मैं किसी के शोल्डर को इंजोर करता हूं और वो शोल्डर के इंजुरी के वजह से अगर वो अपना डे टू डे लाइफ में काम नहीं कर सक रहा है, उसका हाथ ऊपर ही नहीं जा रहा है, वो काम ही नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? इन्फर्मिटी के इनकैपेबिलिटी टू डू सर्टेन वर्क, वो काम नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फर्मिटी। सो आई विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ हर्ट। Then it may be delivered through the administration of a toxic or poisonous substance or by means of taking alcohol administered by way of any other person. Infirmity में ये भी आएगा कि suppose if any person has given a toxic and poisonous substance to another person, अगर किसी ने किसी को टॉक्सिक जहरीला पदार्थ अगर दे दिया और वो जहरीला पदार्थ वो खाने या पीने के वजह से वो एकदम वीक हो गया, वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो ये भी इन्फर्मिटी के डेफिनेशन में आएगा। किसी ने किसी को शराब पिला दिया और शराब पिलाने के वजह से वो अपना आपा खो बैठा, वो कुछ नहीं कर पा रहा है नॉर्मल वर्क, तो ये भी इन्फर्मिटी के डेफिनेशन में आएगा हर्ट में। नाउ third one is disease. A communication of ailment or disease from one individual to another through the way of touch would constitute hurt. Suppose if I am suffering from any disease and I knows very well, if I touch the body of another person, my disease मे ट्रांसमिट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो अगर मुझे पता है कि मुझे कोई बीमारी है और मैं अगर किसी को टच करूंगा तो मेरी बीमारी उसको भी लग सकती है, और मैंने इंटेंशनली उसको टच किया, उसको भी बीमार करने के इरादे से, तो यहां पर क्या हुआ, आई कॉज डिसीज टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि मैंने उसको बीमार किया, तो आई विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ हर्ट, तो मैं हर्ट के लिए लायबल रहूंगा यहां पर भी। राका वर्सेस एम्परर, दैट इज अ पर्टिकुलर केस। द अक्यूज्ड वाज अ प्रोस्टिट्यूट एंड शी inflicted syphilis to her customer। तो यहां पर एक बीमारी थी, जो प्रोस्टिट्यूट थी अक्यूज्ड, उसने अपने कस्टमर को वो बीमारी ट्रांसमिट किया। It was held that accused the prostitute was liable under section 269 of IPC, negligent act likely to spread infection of any disease dangerous to the life of another person। तो यहाँ पर ये ट्रीट किया गया कि जो accused थी वो prostitute, वो section 269 of IPC में liable है, काहे के लिए, स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ एनी डिसीज और डेंजरस टू लाइफ, ऐसी डिसीज का इन्फेक्शन ट्रांसमिट करना कि जो कि डेंजरस है लाइफ के लिए। नाउ सेक्शन 319 पेज एमएफसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में, एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हर्ट, इंजरी, ग्रीवियस हर्ट, ऑल ऑफ द अबो। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 19 दैट bodily pain, disease or infirmity will comes under the category of hurt. So now the correct answer is hurt. Now section 320 we will discuss grievous hurt. Section 319 में हमने देखा कि hurt क्या है, bodily pain, डिसीज या इन्फॉर्मिटी किसी को कॉज करता है कोई पर्सन, तो उसने हर्ट किया, ऐसा ट्रीट होगा। नाउ ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 320। सो द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट ओनली आर डिजिग्नेटेड एज ग्रीवियस, जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो सब ग्रीवियस हर्ट के डेफिनेशन में आएंगे। द फर्स्ट वन इज एमास्कुलेशन, the first one is emasculation. So the first type of grievous hurt is depriving a person of his virility. So if one person injured another person in like way that he will become impotent, है ना, इस तरीके से उसको मारता है कि जो वर्लिटी है, जो उसकी जो पोटेंसी है ना, वो उसकी खो लेता है वो। फॉर एग्जाम्पल, तो उस सिचुएशन में जो पर्सन ने ऐसी इंजुरी कॉज किया वो पर्सन ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल रहेगा। इमैस्कुलेशन मतलब जो पर्सन की वर्लिटी है, जो पोटेंसी है, पर्सन जो अगर पर्सन को इस तरीके से इंजोर करता है कि वो नामर्द हो जाता है पर्सन, तो इमैस्कुलेशन के डेफिनेशन में आएगा, तो इट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रीवियस हर्ट। तो पर्सन विल बी लायबल फॉर ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल रहेगा। इमैस्कुलेशन कैन बी रिजल्टिंग फ्रॉम कॉजिंग सच हार्म टू द क्रोटम ऑफ अ पर्सन एज हैज द इफेक्ट ऑफ रेंडरिंग हिम इम्पोर्टेंट। तो पर्सन अगर इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऐसी इंजुरी अगर कोई करता है, तो ग्रीवियस हर्ट के डेफिनेशन में आएगा। द इम्पोर्टेंसी मस्ट बी परमानेंट एंड नॉट टेम्पररी एंड क्यूरेबल। तो ये इम्पोर्टेंसी है वो परमानेंट होना चाहिए, अगर वो टेम्पररी है, वो आसानी से उसका इलाज हो सकता है, तो वो ग्रीवियस हर्ट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। इफ द इम्पोर्टेंसी इज अ परमानेंट वन देन ओनली इट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रीवियस हर्ट, अदरवाइज नॉट। नाउ सेकंड वन इज permanent privation of the sight of either eye, permanent privation of sight of either eye. Such harm has to have the effect of permanently depriving the injured of the usage of one or both of his eye. तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन इस तरीके से इंजुरी करता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को पंच मारूं उसके आंख पर और उसकी आंख फोड़ दूं, जिसके वजह से उसकी जो आई साइट है, जो उसकी देखने की क्षमता है, वो परमानेंटली अगर वो खो देता है, वो अगर देख नहीं पाता है एक आंख से, तो आई विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ ग्रीवियस हर्ट। मैं एक आंख अगर फोड़ देता हूं या दोनों आंखों को परमानेंटली डैमेज करता हूं, तो मैं ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल रहूंगा। दैट इज द सेकंड एग्जांपल। थर्ड वन इज परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ आइदर ईयर। सो द डीफनेस हैज टू बी परमानेंट टू अट्रैक्ट दिस प्रोविजन। अगर मैं किसी के कान पर जोर से एक पंच मारूं और मेरे पंच मारने के वजह से उसका जो सुनने की कैपेसिटी है, कान इतना डैमेज होता है कि वो एक कान से सुन नहीं पा रहा है, परमानेंट डीफनेस है, वो एक कान से बहरा हो गया है परमानेंटली, तो आई विल बी लायबल फॉर द ग्रीवियस हर्ट। मैं ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल रहूंगा। सच हार्म मे बी रिजल्टिंग फ्रॉम ब्लो गिवन ऑन हेड, ear or the one's element of the head which speak with and injure the ऑडिटरी नर्वस। तो ये अगर कान पे पंच मारने से, ब्लो मारने से या सर पर मारने से ऐसा इंजुरी हो सकती है, ऐसी इंजुरी होती है तो ग्रीवियस हर्ट के डेफिनेशन में आएगी। फोर्थ वन इज प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट। प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट, फॉर एग्जाम्पल ये ज्वाइंट है कलाई का, अगर ये ज्वाइंट को तोड़ देता है कोई तो उस सिचुएशन में अगर ये ज्वाइंट टूट जाता है पर्सन का, मैंने ऐसी इंजुरी किया किसी पर्सन को उसका ज्वाइंट को तोड़ दिया मैंने, या वो नी का ज्वाइंट हो, एंकल का ज्वाइंट हो, रिस्ट का ज्वाइंट हो, एल्बो का ज्वाइंट हो, वॉट एवर इट में भी, अगर ऐसी इंजुरी करता हूं तो मैं लायबल रहूंगा ग्रीवियस हर्ट के लिए। फिफ्थली डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट। वहां पर प्राइवेशन ऑफ ज्वाइंट है तोड़ देना, और दूसरा है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट। अगर मैं इस तरीके से उसके शोल्डर पे पंच मारता हूं कि वो जो उसके शोल्डर की जो कैपेसिटी थी कोई चीज उठाने की, अगर वो कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है, वो शोल्डर से वो कुछ चीज उठा ही नहीं पा रहा है, परमानेंटली उसके शोल्डर की जो पावर है वो पावर खत्म हो जाती है इंजुरी के वजह से, तो उस सिचुएशन में भी पर्सन ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल रहेगा। परमानेंट इंपेयरिंग होना जरूरी है। टू डिसेबल मीन्स टू डू समथिंग क्रिएटिंग अ परमानेंट डिसेबिलिटी एंड नॉट मेयर अ टेम्पररी इंजुरी। अगर मैं फॉर एग्जांपल शोल्डर पे किसी के पंच मारता हूं, इंजुरी करता हूं, और अगर वो इंजुरी टेम्पररी है तो वो हर्ट के डेफिनेशन में आएगी, लेकिन वो इंजुरी अगर परमानेंट है तो ग्रीवियस हर्ट के डेफिनेशन में आएगी। सिक्सथली परमानेंट डिस्फिगरेशन ऑफ द हेड और फेस। Gangaram versus State of Rajasthan, where the bridge of the nose was cut as the injury was inflicted by a sharp-edged weapon. जो bridge of nose है, ये nose का bridge है, आंख के पास जो nose का bridge होता है, उसको एक sharp weapon से उसने attack किया और वो bridge जो होता है वो कट गया उस person का, तो क्या होगा? इट वॉज हेल्ड दैट द एक्ट अमाउंटेड टू परमानेंट डिस्फिगरेशन विद इन द मीनिंग। तो यहां पर कोर्ट ने बोला कि ये परमानेंट डिस्फिगरेशन है और इसलिए ये ग्रीवियस हर्ट है। तो अगर मैं किसी के चेहरे पर इस तरीके से वार करता हूं कि उसका चेहरा परमानेंटली बुरा हो जाता है, डिस्फिगर हो जाता है, तो मैं लायबल रहूंगा ग्रीवियस हर्ट के लिए। नेक्स्ट वन इज सेवेंथली फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। अगर मैं किसी का पंच मार के अगर दांत गिरा देता हूं या किसी को फ्रैक्चर कॉज करता हूं, हड्डी तोड़ देता हूं, या उसके जॉइंट को डिसलोकेट करता हूं, तो इस सिचुएशन में भी मैं ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल रहूंगा। अ फ्रैक्चर इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस क्लॉज मस्ट एक्सटेंड टू द इनर सरफेस। इफ द एक्ट रिजल्ट्स ओनली इन एब्रेजन एंड डज नॉट ब्रेक द बोन, इट विल नॉट बी अ फ्रैक्चर। सिर्फ अगर कोई इंजुरी आती है, प्राइमा फेसी इंजुरी होती है एब्रेजन के रूप में, अगर घसीटे जाती है कोई स्किन, तो वो फ्रैक्चर के डेफिनेशन में नहीं आएगी, ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा। जब बोन टूट जाती है, बोन ब्रेक होती है, तो फ्रैक्चर होता है, और फ्रैक्चर हुआ तभी ग्रीवियस हर्ट होगा, अदरवाइज नॉट। एटली एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days इन सीवियर बॉडीली पेन और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट। अगर ऐसी इंजुरी है जो इंजुरी के चलते पर्सन 20 दिन तक सीवियर बॉडीली पेन में रहा और 20 दिन तक वो अपने ऑर्डिनरी काम जो उसे डे टू डे लाइफ के काम वो नहीं कर सका, तो ऐसी इंजुरी भी ग्रीवियस हर्ट के डेफिनेशन में आएगी। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रीवियस हर्ट मीन्स hurt caused by deadly weapon, hurt caused with the intention of committing murder, any hurt which endangers life, bruises or lacerated wounds. तो अगर हम देखें तो any hurt which endangers life, जो 8th एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ऐसा हर्ट जिससे जान को धोखा हो सकता है, वो ग्रीवियस हर्ट के डेफिनेशन में आएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, under section 320 of IPC, which of the following kind of hurt is not designated as grievous hurt? Emasculation, privation of any joint, permanent disfiguration of the chest, dislocation of tooth. तो हमने देखा कि यहाँ पर इमेस्कुलेशन भी ग्रीवियस हर्ट है, प्राइवेशन ऑफ एनी ज्वाइंट भी ग्रीवियस हर्ट है, डिसलोकेशन ऑफ टूथ भी ग्रीवियस हर्ट है, लेकिन परमानेंट डिस्फिगरेशन ऑफ चेस्ट ग्रीवियस हर्ट नहीं है। परमानेंट डिस्फिगरेशन ऑफ फेस ग्रीवियस हर्ट है, लेकिन चेस्ट ग्रीवियस हर्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 321 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट। So whoever does any act with the intention of thereby causing hurt to any person, अगर एखादा person ऐसा act करता है ना, with intention of thereby causing hurt to any person, मैंने ऐसा act किया, मेरा intention ऐसा था कि सामने वाले को कुछ ना कुछ bodily pain, disease या infirm करना है, और with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person, और person को knowledge है कि उसके act के चलते उस person को कोई ना कोई नुकसान पहुंच सकता है, hurt हो सकता है, अगर इस intention और इस knowledge से अगर वो attack करता है या act करता है, and does thereby cause hurt to any person, और वो act के चलते उस person को hurt होता है, it means said that he voluntarily caused hurt. मैंने इंटेंशन और मुझे नॉलेज है कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ वो एक्ट से सामने वाले पर्सन को बॉडीली पेन हो सकता है या डिसीज हो सकती है या वो इन्फर्म हो सकता है, और इस नॉलेज से इंटेंशन होने के बाद भी मैंने वो एक्ट किया, और एक्ट कर कर अगर उसको कोई इंजुरी होती है या बॉडीली पेन होता है तो उस सिचुएशन में मैंने वॉलंटरीली वो हर्ट को कॉज किया, ऐसा ट्रीट होगा सेक्शन 321 के हिसाब से. सेक्शन 322 वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट. हुएवर वॉलंटरीली कॉजेज हर्ट if the hurt which he intends to cause or knows himself to be likely to cause is grievous hurt. तो पर्सन कोई हर्ट करता है, voluntarily हर्ट करता है, उसको पता है नॉलेज के साथ कि मैं जो इंजुरी, मैं अगर जो उसको एक्ट कर रहा हूँ वो एक्ट के चलते सामने वाले पर्सन को इंजुरी होती है, और ये भी पता है कि जो इंजुरी होने वाली है वो ग्रीवियस नेचर की है, जो हमने सेक्शन 320 में डिस्कस किया है. अगर ये पता होते हुए एंड इफ द हर्ट विच ही कॉजेज इज ग्रीवियस हर्ट इज सेड वॉलंटरीली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट. मुझे पता है, मुझे ये नॉलेज है, मुझे ये इंटेंशन है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूं ये एक्ट के चलते सामने वाले पर्सन को इंजुरी हो सकती है, और वो इंजुरी भी ऐसी है कि जो ग्रीवियस हर्ट के डेफिनेशन में आती है, फिर भी मैंने वो एक्ट किया, तो मैंने वॉलंटरीली ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, ऐसा ट्रीट होगा, एंड आई विल बी लायबल फॉर वॉलंटरीली कॉजिंग grievous hurt. So A intending or knowing himself to be likely permanently to disfigure Z's face gives Z a blow which does not permanently disfigure Z's face but which causes Z to suffer severe bodily pain for the space of 21 days. A has voluntarily caused grievous hurt. कि A को पता था, उसको ये चीज़ पता थी कि मैं ऐसे एक्ट करने जा रहा हूँ, मैं जो पंच Z के चेहरे पे मारूंगा तो उसका चेहरा डिसफिगर हो सकता है, और ये नॉलेज के साथ उसने A के चेहरे पर एक पंच मारा, ब्लो मारा, जिसके वजह से उसका परमानेंटली चेहरा डिसफिगर तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसी इंजरी हुई उसको कि वो 20 दिन तक सीवियर बॉडीली पेन में था. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ऐसी इंजरी जिससे 20 दिन तक सीवियर पेन हो पर्सन को, तो वो इंजरी भी ग्रीवियस हर्ट में आएगी. तो यहाँ पर ए लायबल रहेगा वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए, क्योंकि उसको पता था कि मैं जो पंच उसके चेहरे पर मारूंगा एक तो उसका परमानेंटली डिसफिगर होगा जो कि ग्रीवियस हर्ट है, और ये नॉलेज के साथ उसने मारा, तो ये वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के डेफिनेशन में आएगा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, एंड डेफिनेशन ऑफ वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट और वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.